वीरपुर गांव में एक सोनू नाम का धोबी रहता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं, मुर्गा, और वो रोज 100 अंडे देती थी। वो उन अंडों को टोकरी में रख लेता था। सोनू अपनी पत्नी से बोलता है, सीमा मैं अंडे बेचने जा रहा हूँ, मुर्गी को दाना डाल देना। हाँ जी डाल दूंगी। सोनू स्कूटर पर शहर के घरों में अंडे पहुंचाने जाता था। सोनू और सीमा दोनों मुर्गियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वही मुर्गियां उनके जीवन का आधार थी। कभी कभी अगर मुर्गियों के अंडे बच जाते तो वो गांव के लोगों में बांट देते। एक दिन सोनू अपने घर फ्रिज खरीद के लाता है। गांव में किसी घर में फ्रिज नहीं था। सोनू मिठाई लेकर अपने पड़ोसी कालू के घर पहुंचता है। लीजिए कालू भैया मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं फ्रिज खरीद के लाया हूँ। क्या फ्रिज? ये तो बहुत अच्छी बात है। कालू सोनू से बहुत जलता था। सोनू जब चला जाता है तो कालू अपनी पत्नी से कहता है, इनकी मुर्गियाँ तो काम वाली बन गई हैं। इनके अंडों से ये अमीर होते जा रहे हैं। एक हमारी गाय है, पूरे दिन में मात्र 5 लीटर दूध देती है। कालू की पत्नी, और जब भी इनके घर कोई भी नई चीज आती है हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी मुर्गियाँ चुरा कर अपने घर ले आए? क्या पागल हो गई हो? कालू की पत्नी, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुर्गियों को यहाँ ले आओ और उन पर निशान लगा देंगे, और गांव वालों को कह देना कि बाजार से नई मुर्गियाँ लेकर आए हैं। कालू पत्नी से बोला, बात तो तुमने सही कही है। रात में जब सोनू और सीमा सो जाते हैं, कालू चुपके से उनके घर में घुस जाता है और मुर्गियों को अपने घर में ले आता है। मुर्गियों पर वो निशान लगा देता है और सो जाता है। अगले दिन जब सोनू और सीमा सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि मुर्गियां गायब हैं। हे भगवान, ये मुर्गियां कहां चली गई? बेचारे सोनू और सीमा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शक नहीं करते। पूरे गांव में मुर्गियां तलाशते रहते हैं। जब पूरे गांव में मुर्गियां नहीं मिलती तो दोनों जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। सीमा, पता नहीं हमारी मुर्गियां कौन ले गया। तभी सोनू देखता है जंगल में कुछ मुर्गियां घूम रही हैं। सोनू और सीमा दोनों उनके पास जाते हैं। सीमा सोनू से बोलती है, हमारी मुर्गियाँ नहीं है। हाँ हाँ ये तो हमारी मुर्गियाँ नहीं है, लेकिन लगता है भगवान ने इन्हें हमारे लिए भेजा है, वरना ऐसे घने जंगल में किसी को मुर्गियाँ कैसे मिल जाएंगी। सोनू और सीमा उन मुर्गियों को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन सीमा मुर्गियों के अंडे उठाने लगती है, तभी उसे एक सोने का अंडा दिखता है। अरे सुनते हो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या सोने का अंडा? ये मुर्गी ने कैसे दिया? अगले दिन जब मुर्गियां अंडे देती हैं, तो उसमें एक और सोने का अंडा दिखता है। लगता है ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है। सोनू और सीमा को रोज एक सोने का अंडा मिलने के कारण वो लोग जल्दी ही अमीर हो गए। वो जल्दी एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और गाड़ी भी खरीद लेते हैं। उधर कालू जब भी मुर्गियों के अंडे उठाता तो मुर्गियां कालू को चोंच मारती। कालू और उसकी पत्नी मुर्गियों को मारते थे और जबरदस्ती अंडे उठाते। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर दिया है, वहाँ इतने प्यार से अंडे उठाने देती थी, और यहाँ ये मुर्गियों ने इतना नाटक करते हैं। कालू की पत्नी, सोनू का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने गाड़ी भी खरीद ली, समझ ही नहीं आ रहा उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कालू रात में सोनू के घर जाकर देखता है और चुपके से सोनू और सीमा की बातें सुनने लगता है। सोनू, आज हम जो भी हैं अपनी मुर्गियों के कारण हैं। अगर रोज एक सोने का अंडा ये ना देती तो हम कभी अमीर नहीं हो पाते। कालू, अच्छा लगता है इनकी मुर्गी के पेट में ढेर सारे सोने के अंडे हैं। सोनू और सोनू की पत्नी सीमा जब सो जाते हैं तो कालू रात में उनके घर में घुस जाता है और उन मुर्गियों को भी अपने घर ले जाता है।
कालू सोना पाने के चक्कर में मुर्गियों का पेट चीर देता है। मुर्गियों के पेट में सोना नहीं पाता और मुर्गियां मर जाती हैं। कालू की पत्नी, जल्दी से मुर्गियों को फेंक कर आओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार कालू को रोक लेता है। चौकीदार, अरे ये तो सोनू भाई जी की नई वाली मुर्गियां हैं, तुमने इनको मार डाला। चौकीदार कालू को पकड़कर सोनू के घर ले जाता है। सोनू, कालू तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। सीमा, कहीं हमारी पहले वाली मुर्गियां तुमने तो नहीं चुराई। कालू, मुझे माफ कर दो, आपकी पहले वाली मुर्गियां भी मैंने ही चुराई थी। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में कालू और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाया जाता है।